हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना जो पेपर है ये है एडवर्टाइजमेंट 12/2019 कैटेगरी नंबर 95, और इसमें ड्राफ्ट मैन का पेपर रहेगा। ठीक है, देखिए इसके ना हम जो हरियाणा जीके है उसके क्वेश्चन करेंगे। और अब हमें ना इन क्वेश्चनों के सही आंसर भी मिलेंगे क्योंकि इनकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। ठीक है, और देखिए जो भी क्वेश्चन का और ऑप्शन होगा उसके बारे में भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एचएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इन प्रीवियस पेपर को ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको इन रिपीटेड क्वेश्चनों के आंसर का पता लग जाएगा अब। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनसे हेल्प भी होगी। ठीक है, देखिए मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मैम जो प्रीवियस पेपर है इन सभी को करवा दो। तो जो अभी एचएसएससी के द्वारा 2020 में जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं तो मैं इन सभी को करवा दूंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। और हाँ, देखिए इस वीडियो में ना मैं आपसे दो क्वेश्चनों के आंसर पता करूंगी। जो भी मेरे क्वेश्चन का सही आंसर सबसे पहले देगा उसका नाम ना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेऊंगी। ठीक है, और उसी के कमेंट को मैं पिन भी करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन सबसे पहले इन क्वेश्चनों के सही आंसर बताता है। ठीक है, और वे क्वेश्चन आपको वीडियो के बीच में मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास में पानीपत का प्रमुख स्थान है क्योंकि यहाँ डैश प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी, और ये लड़ाइयाँ प्रमुख मोड़ थे जब हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को एक अलग शासक के अधीन आते देखा गया था। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है इसमें। तो वैसे तो ये पूछा गया था कि पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे घुमाया है ये देखिए आप। तो जो इसका सही आंसर है ये है 3। पानीपत में प्रमुख 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ठीक है, और वो कौन कौन सी थी? तो देखिए जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी ये हुई थी 20 अप्रैल 1526 को। तो आपको ये तारीख भी याद रखनी है। ठीक है, देखिए जो 1526 है ये तो सभी को याद रहता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये तारीख के साथ पूछा जाए तो आपको अब ये तारीख भी याद रखनी है। जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी ये हुई थी 20 अप्रैल 1526 को। ठीक है, और ये किस किस के बीच हुई थी? तो ये बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें ना बाबर की विजय हुई थी। और जो दूसरी लड़ाई थी ये हुई थी 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, और ये किस किस के बीच हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें ना अकबर की विजय हुई थी और हेमू की पराजय हुई थी। ठीक है, और देखिए जो हेमू है ना इनका संबंध रेवाड़ी ज़िले से है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और देखिए हेमू ना एक ऐसे हिंदू शासक थे जो दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू शासक बैठे थे ये। तो आपको ये भी याद रखना है कि हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और जो तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, तो वो हुई थी 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखनी है। और ये किस किस के बीच हुई थी? तो ये हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने महिला अथवा लड़की के लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू की है। तो देखिए वो कैसी लड़की या महिला के लिए शुरू की है? तो ये की है एसिड अटैक की शिकार के लिए। ठीक है, देखिए हरियाणा में जो भी कोई महिला है या लड़की है अगर वो एसिड अटैक की शिकार होती है तो उसको आजीवन मासिक पेंशन दी जाएगी। और ये घोषणा की गई है, ये योजना लागू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखिए जो एसिड अटैक वाली ये जो मासिक पेंशन की योजना है ये कब शुरू की गई? तो ये भी आपको याद रखना है, ये 2 मई 2011 को शुरू की गई थी। ठीक है, और देखिए इसमें ना जो मासिक पेंशन दी जाती है वो कितनी दी जाती है? तो ये दी जाती है 5000 से 9000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एसिड अटैक महिला या फिर कोई भी लड़की है
उसको 5,000 से और 9,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है जब तक वो जीवित रहेगी तब तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हरियाणा की है उसी को मिलेगी। अगर एसिड अटैक से पहले कोई भी महिला या लड़की 3 साल तक हरियाणा में रहती है और उसके बाद उस पर अटैक होता है तो उस महिला को भी मिलेगी ये योजना। ठीक है, इस योजना का लाभ उस महिला को भी मिलेगा चाहे वो किसी अन्य ज़िले की हो या फिर किसी अन्य राज्य की हो। अगर वो अटैक से पहले 3 साल तक हरियाणा में रहती है और उसके बाद उस पर अटैक होता है तो उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, और इसमें मासिक पेंशन है वो 5,000 से और 9,000 रुपये तक दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुका बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो निम्नलिखित में से कौन उस राज्य में से एक राज्य नहीं है? देखिए, उन राज्यों में से एक राज्य नहीं है ये देखना है। तो देखिए, जो रेणुका जी बांध परियोजना है ये बहुउद्देशीय परियोजना है, ये जो 6 राज्य हैं इनमें लागू की गई थी, और ये हैं राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये तो है, और इसमें जो मध्य प्रदेश है ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी ये सही रहेगा। ठीक है, देखिए 3 तो ये हो गए, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और 3 और बचते हैं तो वे कौन कौन से हैं? तो एक है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है, देखिए राजस्थान हो चुका, उत्तर प्रदेश हो चुका, तीसरा है दिल्ली, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ये 6 राज्य हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये 6 राज्य हैं। इनके साथ ना रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो आपको इन 6 ही राज्यों के नाम याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019-20 के लिए हरियाणा का अनुमानित बजट कितना है? तो देखिए, जो हरियाणा का अनुमानित बजट है ये है 1.32 लाख करोड़ रुपए, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने इस वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पुरस्कार जीता है? तो देखिए, ये केंद्र सरकार की योजना है और इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हरियाणा सरकार ने पुरस्कार जीता है, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना है ये कब लागू की गई थी? तो आपको ये भी याद रखना है, ये 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी, और ये हरियाणा का पानीपत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसे लागू किया गया था, और इसे लागू किया गया था जो अपने पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी, इसके द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था, और ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट से किया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल खेल सर्वश्रेष्ठ शूटर का नाम बताइए। तो देखिए, जो बाल हैं बाल सर्वश्रेष्ठ शूटर हैं उसका नाम है अनीस बनवाला। ठीक है, और इसमें ऑप्शन सी सही है। देखिए, कहीं पर बनवाला लिखा होता है, कहीं पर भनवाला लिखा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चाहे अनीस बनवाला हो या फिर अनीस भनवाला हो, ये हैं, इन्होंने राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, और देखिए ये किस खेल से संबंधित है? तो ये एक शूटर है, एक शूटर के गेम से संबंधित है, और जो अनीस भनवाला है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये है कासंडी के रहने वाले, और कासंडी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, और ये देखिए, इन्होंने ना कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये तो हुए एक पुरुष, और देखिए आपको अब ना ये बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत की सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला कॉमनवेल्थ गेम की महिला है जो कि भारत की सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडलिस्ट बनी है, वो महिला कौन है? उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और जो सबसे पहले सही आंसर बताएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए लोकप्रिय है? तो देखिए, जो हरियाणा का फरीदाबाद शहर है ये हड्डी की नक्काशी के
और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए जो रेवाड़ी है ना, ये तिलेदार जूती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये रेवाड़ी को ना पीतल नगरी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो झज्जर है, इसे शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो भिवानी है, यहाँ पर सूती वस्त्र की एक टेक्सटाइल मिल बनी हुई है, जो 1937 में बनी थी, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जाट समुदाय से संबंधित एक महिला की पारंपरिक पोशाक क्या है? तो देखिए, जाट समुदाय से पूछी गई है, तो जाट समुदाय की जो पारंपरिक पोशाक है वो है घाघरी, कमीज और प्रिंटेड ओढ़नी, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पर ना मेरी दादी जी और नानी जी पहनती हैं ये घाघरी और कमीज। ठीक है, और हमारे यहाँ पर ना जो आम बा जो भाषा है उसमें घाघरी को घाघरा बोलते हैं। ठीक है, तो जाट समुदाय के महिलाओं की पोशाक पूछी गई है, जो घाघरी, कमीज और प्रिंटेड ओढ़नी है। अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले 11 वार्षिक पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी गई है, तो इस कदम का क्या उद्देश्य था? तो देखिए, जो पुरस्कार राशि दी जाती थी उर्दू अकादमी के लिए, वो 11 पुरस्कार हैं, उनकी राशि को दोगुना कर दिया गया है, और ये कर दिया गया है, इसका उद्देश्य है उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। ठीक है, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करें जिन्होंने भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और सहनाई, और देशन में देश हरियाणा जैसी कविताएं लिखी है। तो देखिए, वो लेखक हैं जिसकी ये रचनाएं हैं, ये कविताएं हैं, वो हैं उदय भानुहंस, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर डैश से होकर राज्य में प्रवेश करती है। तो देखिए, जो हरियाणा की मौसमी नदी है घग्गर नदी, ये किस राज्य कहाँ से होकर उस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये कालका से होकर अपने हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब देखिए जो कालका है ये पंचकुला में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए जो घग्गर नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये डिगसाई से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डिगसाइल ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और देखिए ये जो नदी है घग्गर नदी, ये हरियाणा की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए, एक बार तो ये कालका में प्रवेश करती है, फिर घूमते फिरते ये राजस्थान में जाकर ना लुप्त हो जाती है, फिर दूसरी बार ये हरियाणा में प्रवेश करती है, और ये टोहाना है एक जगह है, वहाँ पर जाकर ये दोबारा हरियाणा में प्रवेश करती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो घग्गर नदी है ये दूसरी बार हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है, तो ये टोहाना में प्रवेश करती है, और ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नौरंगाबाद, मिठल राखीगढ़ी और कई अन्य स्थानों पर उत्खनन ने क्या दिखाया? तो देखिए, जो हरियाणा में नौरंगाबाद है, मिठल है और राखीगढ़ी है, यहाँ पर ये स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दिखाते हैं, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़, नारनौल, गुड़गांव और रेवाड़ी जिले में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? तो देखिए, जो महेंद्रगढ़, नारनौल, गुड़गांव और रेवाड़ी है, यहाँ पर अहिरवती भाषा प्रसिद्ध है, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मानसून का समय क्या है? तो देखिए, हरियाणा में जो मानसून का समय है ये है जुलाई से सितंबर तक, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो देखिए, जो एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी है वो है ढोसी की पहाड़ी, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब देखिए जो ढोसी की पहाड़ी है ये है कहाँ पर? तो ये कुलताजपुर है, कुलताजपुर नामक एक जगह है, वहाँ पर है ये ढोसी की पहाड़ी, और कुलताजपुर ये है महेंद्रगढ़ में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कुलताजपुर महेंद्रगढ़ में है, और वहाँ पर ये ढोसी की पहाड़ियाँ हैं, और इसकी देखिए जो ऊंचाई है वो है 652 मीटर। ठीक है, तो आपको इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है।
और देखिए जो ढोसी की पहाड़ी है ना, यहाँ पर एक ऋषि का संबंध है, और उस ऋषि का संबंध है उसका नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। ढोसी की पहाड़ियों पर किस ऋषि का संबंध है इसका आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार अति और अधिक संभावित क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों में डैश को अनुमति नहीं देती। तो देखिए जो हरियाणा सरकार है ये अति और अधिक संभावित क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में जो औद्योगिक इकाइयां हैं इनको अनुमति नहीं देती, और इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष हरियाणा के लोगों के लिए कैसे उपयोगी थे। तो देखिए जो मिशन इंद्रधनुष है ये हरियाणा के लोगों के लिए सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया गया इससे संबंधित है, और इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। देखिए जो मिशन इंद्रधनुष योजना है इसके द्वारा ना टीके लगाए जाते हैं, और इसमें 7 टीके लगाए जाते हैं जो कि इंजेक्शन होते हैं वो, ठीक है। और वे कौन कौन से लगाए जाते हैं, तो एक है डिप्थीरिया का, ये भी आपको ध्यान रखना है, डिप्थीरिया का। दूसरा है टिटनेस का, फिर है पोलियो का, एक है तपेदिक का, फिर है खसरा का, और एक है हेपेटाइटिस बी का। तो आपको ये सभी ध्यान रखने हैं, और एक और रह गया जो कि टीबी का, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत ना 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, और इसमें डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी और टीबी, ये 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं जो जो सभी अप्रतिरक्षित आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के प्रतिरक्षित किया गया है, इन सभी को लगाए जाते हैं ये टीके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं। तो देखिए जो हरियाणा में पक्षी अभयारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये दोनों ही हैं, तो वो है सुल्तानपुर, और इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। और देखिए जो सुल्तानपुर है ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं। तो देखिए हरियाणा में 2 वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हैं, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किन शहरों में हवा, पानी और पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई का काम करने वाले विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं। तो देखिए ये जो विशेष पर्यावरण न्यायालय है ये है फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में, और इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ना जो ALM का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ था, और उसमें हमने बताया भी था कि ये फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में है पर्यावरण न्यायालय। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, किसी ने कहा था कि नहीं ये तो फरीदाबाद और हिसार में है। अब देख लीजिए आप, इसका सही आंसर हिसार में नहीं है, ठीक है, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में ही है। देखिए ये ना हिसार में पहले प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ये हिसार में फिर बनाया नहीं, ये बनाया कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो जो पर्यावरण न्यायालय है ये फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें ना हम सिर्फ हरियाणा जीके के क्वेश्चनों को ही कराया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। थैंक यू।